इसकी जो आरजीबी लाइट्स है इन्हें हम चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं अब करूँगा इंटरस्टेलर पे क्लिक। ये देखिए इसकी लाइट किस तरीके से चेंज हो चुकी है। फिर अब मैं करूँगा लिक्विड पर, ये देखिए किस तरीके से इस लिक्विड कूलर की लाइट में चेंजेस आ रहा है, ये देखिए। फिर अब मैं करूँगा एक्सट्रैक्ट पर, जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया इस तरीके से, ये देखिए ये फैंस है। अब अगेन इंटरस्टेलर, ये देखिए अगेन लिक्विड, ओके। और ये मैंने कर दिया ब्लू पर, तो अभी ब्लू लाइट चल रही है ओनली, ठीक है। ये आरजीबी इस तरीके से चलती रहेगी। आज की इस पीसी बिल्ड में सबसे पहले है कूलर मास्टर का ये कैबिनेट, मास्टर TD500 मैश V2। फिर है ये कोर्सेयर की तरफ से ICUE लिक्विड कूलिंग वाला 360 mm आरजीबी फैन। फिर है ये MSI का टोमाहॉक वाईफाई। उसके बाद है ये DDR5 6000 MHz 32 GB रैम RTX 4070। और ये है i9 इंटेल i9 13900K। और ये है RM1000E कोर्सेयर की तरफ से PSU। स्वागत है आपका अनबॉक्सिंग एवरीथिंग में। अब अनबॉक्सिंग करेंगे कूलर मास्टर के इस कैबिनेट की। ये देखिए इसका फ्रंट, इसके अंदर है तीन फैन, तीन आरजीबी फैन है कूलर मास्टर का है, उन्होंने ब्रांडिंग दिखाना छोड़ दी है। ये ऊपर इसमें है USB, ये है टाइप सी पावर बटन, ये लाइट कंट्रोल के लिए है। इसमें एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं ये एयर फ्लो के लिए, ये मैग्नेटिक वो है इस तरीके से, इसमें एयर फ्लो का है। साइड में अगर आप देखो तो ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, ये मैंने ट्रैक्टअप कर दिया। पीछे से एयर फ्लो है, नीचे इसमें वो लग जाता है। इसके अंदर जो मदरबोर्ड है वो है ये वाला MSI का। इसमें चार NVMe M.2 लग जाती है, 2 SSD SATA या HDD आप लगाना चाहो। रैम 6000 MZ है, ये 100, ये मदरबोर्ड 128 GB तक वाईफाई मदरबोर्ड है, इसके अंदर 128 GB तक रैम सपोर्ट कर जाती है 6000 MZ की। i9 प्रोसेसर को ये सपोर्ट कर लेता है 13th generation। उसके बाद RTX 4070, ये 12 GB है MSI का डुअल फैन वाला OC वर्जन ओवरक्लॉक्ड i9। ये पावर सप्लाई इनफ है इसके लिए, ये पावर सप्लाई इनफ है इसके लिए। तो मैं इसको आपको अब शुरू करके बताऊंगा। PC मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आफ्टर ऑल ये PC जब हमने ऑन किया सिस्टम, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये RGB लाइट्स, ये है लिक्विड कूलिंग के साथ जिसमें ये RGB फैंस लगे हुए हैं, 6 टोटल इसके अंदर फैन है। ये RGB रैम है, RTX GeForce ग्राफिक कार्ड है, देख सकते हो आप, ये स्क्रीन है। ये पावर बटन, ये देखिए किस तरीके से इसकी लाइट्स चेंज हो रही है। ये है इसकी स्पेसिफिकेशंस, देख सकते हो आप। डेस्कटॉप प्रोसेसर इंटेल का i9 13900K 3 GHz और हाईएस्ट 5 GHz तक चला जाता है। रैम इसमें 32 GB है, 64